हम लोग बात करते हैं आपके इमिग्रेशन के बारे में, बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले बताओ आप कहाँ से वीज़ा लगा, आप कहाँ गए, अब बताओ थोड़ा सा खुल के। मैं एक्चुअली सर मैं जॉब करता था दुबई में और खतर में भी 5 साल था, फिर वहाँ से सेम कंपनी ट्रांसफ़र किया, दुबई आया, फिर दुबई से मैं वापस आया दिसंबर में। तो मैं जो है ना मार्च में वीज़ा लगाया था यहाँ पर, विजिट मैं खुद अप्लाई किया ओरिजिनल, जो मतलब कंपनी के पे स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट सब लगा के बैंक में, बैंक से लेटर लिया था कि मेरे पास इतना अकाउंट में इक्वलेंट टू $100 थे, बोल के पूरा डॉक्यूमेंट्स लगाया जेन्युइनली और वो वीज़ा लग गया मेरा। आपका वीज़ा लगा कनाडा का, विजिटर वीज़ा? जी विजिटर वीज़ा लगा। अच्छा वीज़ा कितने टाइम का, 5 साल 10 साल का? नहीं ये मेरा पासपोर्ट नेक्स्ट ईयर 10th अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा था, तो जब तक दिया वो लोग। ओके फिर तो जब तक का तो फिर उसमें उसमें आपने मतलब पर्पस क्या लिखा था आपने कि आप क्या करने जा रहे हो कनाडा? मैं जस्ट घूमने के लिए जा रहा हूँ, विजिट के लिए, विजिटर वीज़ा था। पर कोई एड्रेस वगैरह, कोई होटल वगैरह या किससे मिलने जा रहे हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ होटल में स्टे, होटल बुकिंग था। और एक्चुअली सर क्या हुआ, ये जब मेरा वीज़ा लगा तो मेरे एक दोस्त का दोस्त है वो, तो उसका भी वीज़ा लगा था कनाडा का, तो उसने बोला मेरे को तो दोनों एक साथ चले जाओ। तो फिर हम दोनों ने जो है ना एक साथ टिकट करवाया और एक साथ हांगकांग, वया हांगकांग फ्लाइट थी, हैदराबाद से हांगकांग, हांगकांग से वहाँ पर। और एक थोड़े से गलतियाँ भी मेरे से हो गए सर, मैं एक्चुअली एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं वैनकूवर जा रहा हूँ घूमने, और बाद में मेरा प्लान चेंज किया मैं, तो टोरंटो का मैं जो है ना टिकट लिया, तो मेरे को हांगकांग में जो है ना वो लोग वही पूछे कि आप एप्लीकेशन में यू हैव मेंशन दैट यू वांट टू विजिट वैनकूवर, देन व्हाई यू चेंज योर प्लान। ये सवाल किसने पूछा आपसे? वहाँ पर एक लेडी आ गई थी बराबर जब टोरंटो के लिए जो बोर्डिंग टाइम हुआ ना, वही टाइम पे जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हुआ तो वो लेडी आके अनाउंस कर दी कि हम दोनों का नाम ली, बस हम दोनों को बोले कि डेस्क पे आ जाओ। तो वहाँ पर दोनों को बुला के कुछ सवाल करी। देखो यही मैं आपको बताना चाहता था, और दूसरे लोगों को भी जो जिनको इन फ्यूचर गाइडेंस चाहिए होती है वीज़ा के बारे में, कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन भरते हो जो इन्फॉर्मेशन डालते हो वो आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है, और वीज़ा के जो कोडिंग है उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्या पैसे हैं, क्या नौकरी, सब आपके उसमें लिखा होता है। और जब आप जैसे आप हांगकांग गए, हांगकांग से अगली फ्लाइट जब आप कनाडा की है, तो जब पहली जो फ्लाइट तो इंडिया से तो हो गई, जब दूसरी फ्लाइट जब कनाडा के लिए पहुंचती है तो वहां पर कनाडा इमिग्रेशन के ऑफिसर वहां पर बैठे होते हैं, और वो जो आपको लेडी मिली है तो जब बोर्डिंग के टाइम पर जब लाइन लगती है चढ़ने के लिए, तो वहां पर उनके पास पहले ही सिस्टम में आ जाता है कि कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या उसके डॉक्यूमेंट है वगैरह वगैरह सब आ जाता है। तो 100% उन्होंने इस चीज़ को नोट किया होगा कि आप पहली बार जा रहे हो, पहली बार वीज़ा मिला है, और आप टूरिस्ट हो जो भी पर्पस के लिए जा रहे हो आप, और आपने वो चेंज किया, तो आप उसके शक के घेरे में आ गए। तो ये तो गलती आप मान गए, तो ये गलती अगर ये ना करते तो वो नहीं होते। अच्छा एनीवे फिर उसने क्या पूछा आपसे? तो उसने जो पहले जो बुलाया डेस्क पे, उसने पूछा पहले कि आर यू ट्रैवलिंग टुगेदर, तो वो मेरे साथ जो था वो जल्द में जो है ना जल्दी से वो बोला नो वी आर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर। तो वो बोली, देन सेकंड सवाल वो बोली कि देन योर टिकट बुक्ड द सेम टिकट एंड सेम प्लेस, तो ये क्या है फिर? तो टिकट भी दोनों का सेम था, सेम जगह से बुक हुआ था। तो हम लोग बोले नो इट वाज कोइंसिडेंट, ऐसा था। और एक्चुअली सर मेन प्रॉब्लम वहाँ भी आई कि जो है ना उसका, मैं 2010 में लंदन यूके गया था स्टूडेंट पे, तो वो भी जाके था लंदन ऑस्ट्रेलिया, तो उसने देखा पासपोर्ट पे दोनों के जो है ना, दोनों के लंदन गए हुए स्टाम्प देखी, फिर वो बोली आप दोनों एक साथ, दोनों लंदन भी गए हैं और जो है ना आप बोल रहे हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते, आप लोग जब लंदन गए थे जब से ही पहचान लोग का झूठ बोल रहे, झूठ पकड़ा गया आपका कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे नहीं जानते, झूठ पकड़ा गया। एनीवे उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद उसने पूछा करेंसी कितनी ले जा रहे हो, होटल में कहाँ घूमने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा सब पूछी।
उसको तो दो तीन सवाल के बाद वो मेरे साथ जो था उसको तो बिठा दी कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, पूछी। पूछने के बाद दो तीन सवाल के बाद उसको बिठा दी, फिर मेरे को पूछी कि आप जो है ना एप्लीकेशन में वैंकूवर लिखे, टोरंटो क्यों जा रहे हैं फिर? तो मैं बोला नहीं, वैंकूवर में मेरे को कोई गाइड करे कि जो है ना टोरंटो में ज़्यादा प्लेसेस है घूमने के, ऐसा ऐसा बोल के मैनेज कर रहा था, मगर वो मान रही नहीं थी, बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थी। तो फिर उसके बाद करेंसी चेक करी तो उसके पास भी जो है ना 1700-1600 pounds थे, मेरे पास 1700-1800 pounds थे, वो डॉलर यूरोस थे, डॉलर्स थे। तो वो बोली तुम लोग करेंसी भी कम लेके जा रहे हो, तो इसीलिए वो क्या करी, दोनों का भी जो है ना वीज़ा पेन से जो है ना कैंसिल करके वो दोनों को वहाँ से डिपोर्ट कर दी। जब डिपोर्ट किया मतलब उन्होंने आपको कहा कि आप इंडिया जाओ वापस, तो आपको कोई अलग से कागज़ दिया आपको कोई? नहीं, कुछ कागज़ नहीं दिया, सिर्फ पेन से जो है ना वो कैंसिल करके फ़ोटो उसका मोबाइल से लेके पूरा उसको वो सेव कर लिए फोटोज। अच्छा, तो आई एक्सपेक्ट कि ऐसा होना था, और ये उन्होंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि शक के घेरे में आ गए आप, और उन्हें पता है कि इवन दो टूरिस्ट वीज़ा मिल गया, और टूरिस्ट वीज़ा की जो आपकी शर्त हैं वो आपने उसको आपने जो उसके जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया आपने, तो हो गया। अभी क्या प्रॉब्लम है, अब क्या प्लानिंग है आपकी? अभी मैं आना चाहता हूं, तो इसका सॉल्यूशन मेरे को बताइए सर आप। सॉल्यूशन ये है कि वीज़ा तो कैंसिल हो गया, वीज़ा आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जहां से आपने अप्लाई किया था, आपने कहां से, न्यू दिल्ली से, बैंगलोर से, कहां से किया? नहीं, मैं तो हैदराबाद VFS में डाला था, लेकिन वो वहां से हैदराबाद से बैंगलोर गया, तो वीज़ा बैंगलोर से लग के आया था वो। हाँ, तो आपको वैसे ही अब दोबारा डालना पड़ेगा, और दोबारा जब देंगे तब दोबारा आओगे, वो तो वीज़ा का खेल ख़त्म हो गया। और मैं आपको एडवाइस जो कह रहा हूँ कि अभी आप जल्दी डालो भी मत, अभी डालोगे तो फिर रिफ्यूज़ हो जाएगा। आप कम से कम 6 महीने 1 साल रुक के फिर ट्राई करना। जी सर, तो वो भी बोल रही थी कि अभी ये जो हम लोग वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं ये परमानेंट आपको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आप फिर दोबारा अप्लाई करिए, ऐसा बोल के बताई थी वो। दैट्स राइट, वो ठीक है। अगर तो वो परमानेंट करते तो आपको परमानेंट करने वाली एक चिट्ठी भी देते, आपको परमानेंटली इनएडमिसिबल कर देते, तो वो आपको चिट्ठी नहीं मिली, तो इट्स ओके। पर अच्छा। मैं समझता हूँ कि अगर आप जल्दी अभी ये वीज़ा अप्लाई कोई मत करो। नहीं कर रहा हूँ, मैं जब से रुक गया था, तो फिर इसलिए आपसे एक बार, मेरे को एक दोस्त आपका नंबर दिए थे, नेट पे भी देखा, फिर आपके व्यूज सब देख के जो है ना आपको स्काइप से कॉल किया। सो ये मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ, बोलता भी रहता हूँ कि जो विजिटर वीज़ा है ना, विजिटर वीज़ा में आपका प्लान बहुत ही एक प्लान, और आपके जो प्रिंसिपल है जो करने जा रहे हो वो आपका एक सॉलिड तो होगा ही होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कि ये बहुत बड़ी गलती है ये कि आपने इमीजिएटली लास्ट मिनट पे टोरंटो में टिकट हो गई, जबकि लिखा वैंकूवर ही, दिस इज़ अ बिग मिस्टेक। और दूसरा जो झूठ बोलने वाली बात है कि हम दोनों साथ नहीं हैं, और वो भी झूठ पकड़ा गया, फिर पैसे भी कम हैं, तो कुल मिला के इसको हम कहते हैं हिंदी में गुड़गोबर हो गया ये सब काम। तो जी, व्हाट कैन आई से, पर एटलीस्ट शुक्र है ऊपर वाले का कि इसमें आपको परमानेंटली बैन, अगर मेरे जैसा कोई होता तो आपको बैन भी कर सकते थे कुछ टाइम के लिए, और आपको इनएडमिसिबल कर देते, आपको जो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं, जो आपने कुछ लिखा कुछ और है, हो कुछ है, इसके लिए भी आपको एक्सक्लूजन ऑर्डर कर सकते थे, एटलीस्ट लेट्स से कि मिनिमम 1 साल से लेकर 5 साल के लिए बैन भी हो सकता था, अगर वो चाहे तो कर सकती थी, लेकिन अच्छा उसके मन में कुछ रहम आ गया, जो भी कुछ सोचा होगा, आप कहना मुश्किल है। एक काम और आप कर सकते हो, अगर आपको अपने जो वीज़ा फाइल के जो नोट्स हैं, जो आपके वीज़ा फाइल्स में उसने कुछ लिखा होगा, लिखा तो होगा कुछ, तो वो आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हो। जो ऑनलाइन उसका सिस्टम होता है, इसको कहते हैं GCMS नोट्स, और उसमें $5 चार्ज करते हैं सरकारी फीस। तो किसी को रिक्वेस्ट करके कनाडा में, अगर कोई आपका दोस्त वाला है कोई, तो उससे कहें कि उसको अथॉरिटी देकर वो कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके वीज़ा फाइल में उसने लिखा क्या है, ऐसा ना हो कि कुछ भयंकर बात लिख दी हो, कुछ क्या पता, आपको पता होना चाहिए अंदर क्या है। अच्छा। फिर जब जान लोगे, जब उसको पता लग जाएगा, फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि कितने महीने बाद वीज़ा अप्लाई करना है, क्या करना है, अगली बार करना है तो क्या लिखना है, कहाँ जाना है, कौन से शहर जाना है, ये सब बातें पहले से तय होनी चाहिए। अभी जैसे अगर मेरे को अगर दिल्ली से अगर हैदराबाद आना है, ठीक है ना,
मेरे को मालूम होता है कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ तो मैं इस होटल में रुकूंगा, इससे मिलूंगा, ये करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं दिल्ली पे फ्लाइट लेने को हैदराबाद आ गया, हैदराबाद की जगह मैंने इमीडिएटली वो ऑन द लास्ट मोमेंट बैंगलोर चेंज कर दिया, इट इज़ वेरी अनलाइकली। तो या तो आप कनाडा जा रहे हो, आपने एकदम चेंज कर दिया, वो मेरे ख्याल काफ़ी ऑब्जेक्शन मिला है और मेरे को भी पसंद नहीं आया। जी तो अभी वो मैं मंगा लेता सर, वो क्या बोले आप उसका नोट्स? लिख लो, कागज पेंसिल लेके लिख लो, GCMS नोट्स। GCMS नोट्स, हाँ, इसको आप गूगल पे आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे GCMS नोट्स टाइप करोगे तो उसमें आ जाएगा और फिर आप यू नो उसको देख सकते हैं। अगर आपका कनाडा में, आपने कहा ना आपका कोई दोस्त है, कौन है, कहाँ पर है? जी वैंकूवर में है। हाँ, तो वैंकूवर में उसको हेल्प करना, उससे कहना कि हमें GCMS नोट्स टाइप करना है, तो वो आपके बिहाफ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के वो एक लेटर देगा आपको, तो वो लेटर उसको आप साइन करके दोगे तो वो फाइल कर देगा और वो क्रेडिट कार्ड से पे करके वो आपके लिए कर देगा। उसमें 4 हफ्ते लगते हैं। अच्छा, फिर आएगा तो मतलब हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम फिर 6 महीने के बाद, पहले तो वो लेटर लेना है आप, उसके बाद वो सर देखो क्या देख होता है। मैं आई होप कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, पर देखना चाहिए, और अगर कुछ नहीं निकलता उसमें तो आप 6 महीने के बाद फिर आप जब तक आप नौकरी चालू रखो अपनी, नौकरी कर रहे हो ना अभी आजकल? नहीं, मैं अभी वो छोड़ दिया, फिर अभी जॉब भी छोड़ के यहाँ इंडिया में जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, तो यहीं पर बिजनेस स्टार्ट करके रुक जाऊँगा मैं। हाँ, तो अपना सेट करो पहले, काम वाम सेट करो पहले, फिर करना, अभी तो आप अभी जॉब कच्चे हो उसका। जी जी, अभी अपना टाइम वाम सेट करके अपना वो करके फिर उसके बाद जो करना जो करना। अच्छा सर जी, अभी मेरा और एक ब्रदर है, कजिन ब्रदर है, तो वो भी विजिट लगाने के लिए कोशिश करने वाला है, अभी ट्राई कर रहा है, तो वो दुबई जा चुका है ऑलरेडी। तो मैं उसको और वो करा था, एडवाइस किया था कि और दो एक दो कंट्रीज घूम के आ जाओ विजिट पे, तो जो है ना थोड़ा पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, फिर बाद में लगा सकते हो। उसका एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, जैसा भी उसका बिजनेस सेटअप है, वो तो अपना डॉक्यूमेंट्स देखिए उसके पास सही डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, बता सकता है। लेकिन वही देखो ना कि जो गलतियाँ आपने करी कम से कम और वो आप रिपीट ना हो जाए कहीं। नहीं जी जी, नहीं नहीं, मैं आप तो कि सबको मैं एडवाइस कर सकता हूं। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पिएगा वह। बिल्कुल सही बोले सर, सही बोले आप। ठीक है जी, और कुछ, और मेरे लिए कुछ नहीं पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू, टेक केयर, कभी आएंगे तो हैदराबाद में मिलेंगे फिर आपसे। जी जी, जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, टेक केयर। आपने अपना बहुत कीमती वक्त मेरे को दिया, मैं आपके बहुत वीडियोस नेट पे देखा हूँ, तो आप जो है ना इतना बिजी रहते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में आप मेरे को इतना टाइम निकाले, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंकफुल सर। कोई बात नहीं, थैंक यू सर, टेक केयर, थैंक यू।